हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर चल रहा है एमएसटी सीईटी का। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में हमारा पहला जो वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट किया था कौन सा चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था हमने, राइट। आज हम लोग जो है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड स्टेट कवर करेंगे, सारे सॉलिड स्टेट्स के सारे टॉपिक। टॉपिक के बाद हम लोग सारे मैक्सिमम एमसीक्यूज उसके उस टॉपिक से रिलेट हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सॉलिड स्टेट से शुरुआत करते हैं, राइट। ओके, चलो तो सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन पार्ट दे देता हूँ फटाफट। मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी जो नो स्लाइड्स बना ली है, तो वो सॉलिड स्टेट में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉलिड ओनली। तो सॉलिड क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है, एवरीथिंग विल गोइंग टू डिस्कस। चलो, सॉलिड में क्या होता है एक्जैक्टली। ओके, तो सॉलिड कंटेन्स द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, शेप वॉल्यूम फिक्स होता है सॉलिड का, बराबर है। दे डू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। एंड सॉलिड कंटेनिंग जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है, उस वो स्ट्रॉन्ग और रिजिड भी रहते हैं, वो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हो गए, क्या, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इंटरैक्शन एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। आगे बढ़ता है, फिर क्या है एग्जैक्टली सॉलिड में दो टर्म्स आते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इसमें जाएंगे सॉलिड में, ठीक है। अब ये सॉलिड जो है, द सॉलिड कंटेन्स टू टाइप्स एक्चुअली, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। दो टाइप है उसके, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट, एंड अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टेंट पार्टिकल्स, बराबर है ना। दो टाइप है सॉलिड के, कौन से, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में कंटिन्यूअस अरेंजमेंट, एंड अमॉर्फस में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट, बराबर है। क्रिस्टलाइन आर एनिसोट्रॉपिक एंड अमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये भी एक सॉलिड के दो टाइप के क्लासिफिकेशन, यानी दो मेजर पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। चलो आगे टर्म्स है, आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस। क्या होता है आइसोमॉर्फस, क्या होता है पॉलीमॉर्फस, सीधा एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, दो डिफरेंट कंपाउंड है जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, तो उसको कहा जाता है आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस या फिर आप आइसोमर तो वर्ड रिलेट करोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वही है एक्चुअली यहाँ पे भी। ओके, इन फिजिकल केमिस्ट्री इट इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, आइसोमॉर्फस। एग्जांपल जैसे NaF एंड MgO। अब NaF एंड MgO में क्या है, रेशियो 1:1 है कैटायन एंड एनायन का, राइट ना। Na इज कैटायन, F इज एनायन, तो दोनों का रेशियो क्या है, 1:1। जैसे उसी तरह से Mg कैटायन है, ऑक्सीजन एनायन है, वहां पे भी रेशियो क्या है, 1:1 का। सो तो दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम। पॉलीमॉर्फस में यानी क्या, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट टू और मोर फॉर्म्स, ओके, दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिंगल दिस वन अ पॉलीमॉर्फस। तो अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज, इनफैक्ट क्रिस्टेबलाइट, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ सिलिका। सिलिका यानी क्या, SiO2, बराबर है। तो SiO2 के ये फॉर्म्स है क्वार्ट्ज, दिस वन बीटा क्वार्ट्ज एंड दी क्रिस्टेबलाइट, ऑल दीज आर हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रक्चर्स, बट सिंगल सब्सटेंस ही वो, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या है, सेम है SiO2, तो वो होता है क्या, पॉलीमॉर्फस। समझ में आ रहा है बच्चों, टर्म्स इंपॉर्टेंट हो, टर्म्स समझ में आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे मैंने कहा सॉलिड के दो टाइप है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, बराबर है। तो क्रिस्टलाइन के भी फिर चार टाइप है, तो क्रिस्टलाइन के टाइप्स देख लेते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन एंड एवरीथिंग। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, और उसके ऊपर से फिर हम लोग MCQs पे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पहला तो आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड में क्या क्या होता है, देख लो ये पॉइंट फटाफट याद कर लो, क्या कंस्टेंट पार्टिकल्स आर द चार्ज पार्टिकल, चार्ज स्पीसीज, ठीक है। कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, चार्ज स्पीसीज है, आयोनिक बॉन्ड रहेगा बिटवीन द कंस्टेंट पार्टिकल्स, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आयोनिक सॉलिड जो है ये नॉन कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जैसे NaCl हो गया, तो NaCl को सॉलिड NaCl में अगर हम लोग करंट पास करेंगे, तो वो करंट पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल नहीं करवाएगा, इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो जीरो बताएगा। बट सेम सॉलिड NaCl, उसको अगर आप वाटर में डाल दो तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी आयनाइजेशन, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल फॉर्म, बराबर। जो एक्वियस सॉल्यूशन NaCl का जो फॉर्म होगा, NaCl मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके Na+ आयंस एंड Cl- आयंस फॉर्म कर लेगा, तो बराबर। तो जो आयंस है वो हेल्प करेंगे टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वही सॉल्ट अगर सॉलिड स्टेट में है, एनहाइड्रस सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है, तो वो नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सब कॉमन एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पे आयनिक सॉल्ट के, NaCl, KNO3, ZnSO4, ये सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फिर, द नेक्स्ट वन दैट इज आयोनिक सॉलिड के बाद कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के क्या है, तो कंस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पे
क्लस्टर्ड पार्टिकल्स आर एटम, बराबर है, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा बट ऑब्वियस एटम के बीच में, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड ओनली, हार्ड इनकॉम्प्रेसिबल एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है वहां पे, बराबर है। चलो कोवेलेंट सॉलिड सारे जो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सॉलिड मीथेन, ओके सॉलिड CO2, दीज आर दी एग्जांपल। मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द अनदर वन, कंस्टेंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स ओनली, जहां पे मॉलिक्यूल है तो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, देखो एक तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है, बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, इवन दे आर ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, समझ में आ गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड के, ओके। आखिरी है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में क्या होगा गाइस, देखो मेटालिक सॉलिड में मेटल की प्रॉपर्टीज है, मेटल्स एक्चुअली रहेगा, तो डू हैव द मेटालिक बॉन्ड हैविंग द मेटालिक प्रॉपर्टी लाइक मेलिएबल डक्टाइल, मैंने दो ही दिखाया, बट सोनरस हैविंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो लिखाई है मैंने, ठीक है। एंड दी ऑल दी मेटल्स, जो भी सारे हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स है वो सारे क्या है गाइस, तो वो सारे हमारे हो गए मेटालिक सॉलिड्स, बराबर, ओके। तो चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड के सारे टाइप्स हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए, कौन कौन से, तो आयोनिक, आयोनिक के बाद हो गया कोवेलेंट, कोवेलेंट के बाद मॉलिक्यूलर, एंड देन आफ्टर मेटालिक सॉलिड, बराबर है। चलो इसके बाद फिर जो टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, क्या है यूनिट सेल, यूनिट सेल की मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं है बट जस्ट आई विल टेल यू द यूनिट सेल, दैट इज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज कॉल्ड टू बी अ यूनिट सेल, क्या है यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट और स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इज कॉल्ड टू बी अ यूनिट सेल ओनली, ठीक है। उसके टाइप्स कौन कौन से है, तो प्रिमेटिव, प्रिमेटिव और उसको भी बोलता है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में जनरली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन भी डिस्कस करते जाएंगे साइड बाय साइड, तो सिंपल और सिंपल यूनिट सेल और प्रिमेटिव यूनिट सेल, जहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स, कॉर्नर के पर ही पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज द सेकंड टाइप, वन पार्टिकल प्रेजेंट एट दी सेंटर एंड द अदर पार्टिकल इज प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर ओनली। What about face centered unit cell? Number of particle कितने रहते हैं उसमें face centered में, चार रहते हैं, जिसमें कि एक तो corner में रहेगा और एक जो तीन particles है वो opposite of the faces रहेंगे, कोई भी दो opposite face में 50-50% cover करेगा। And body centered unit cell में दो particle रहेंगे, जहां पे एक particle तो corner में रहेगा and the other two particles will be facing opposite of the faces, okay? अब the particle is actually facing opposite of the faces, any opposite to face, सामने वाला या फिर यू नो राइट लेफ्ट या फिर टॉप बॉटम, इस तरह से रहेगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वन, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, एंड देन आफ्टर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड दिस वन एंड सेंटर्ड, ओके। बॉडी सेंटर्ड लिखा है एक्चुअली, दिस इज नॉट दिस वन, दे एंड सेंटर्ड है वो, ठीक है गाइस, ओके। चलो सो दिस इज the things, यहाँ पे actually हमने स्लाइड बनाई थी तो वहां पे ये बॉडी सेंटर्ड लिख दिया है बाई मिस्टेक, यू जस्ट रिमेंबर दिस इज एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ स्लाइड ओनली, सो दिस इज एंड सेंटर्ड, ओके, क्या है वो, एंड सेंटर्ड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन, सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये सॉलिड के दो टाइप, देन क्रिस्टलाइन के टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए, यूनिट सेल क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल आल्सो डिस्कस कर लिए, सो विल गो फॉर दी दिस वन, क्या एमसीक्यूज चले जाते हैं, ओके, विल गो फॉर एमसीक्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। चलो एमसीक्यूज क्या है, तो देखो पहले फाइंड द ऑड वन आउट, ओके, ऑड वन आउट फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यू इस पे देखो बच्चों, कभी भी जब आप एमसीक्यूज पे चले जाओगे, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट द आंसर, तो जो पॉसिबल आंसर्स है उसको देखते जाना, मैंने भी एक पर्टिकुलर आंसर के ऊपर आप देखोगे सोचोगे बट ऑब्वियस, एंड देन आफ्टर क्या करोगे आप लोग, आप एक एक आंसर को एलिमिनेट करते जाना, ठीक है, एंड देन आफ्टर देन ओनली यू विल बी कमिंग यू नो टूवर्ड्स यूर द मेन से करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पे देखो कॉर्ड्स है, अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स, ठीक है, क्रिस्टोबेलाइट, क्रिस्टोबेलाइट एंड द कैल्साइट, ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं वहां पे, ओके, ऑप्शंस। अब ये क्या है एग्जैक्टली, दैट आल्सो यू शुड नो,
बराबर है, शायद हमने डिस्कस किया था आइसोमर पॉलीमॉर्फस, वहां पे मैंने हमने कॉर्ड्स का डिस्कशन किया था, कॉर्ड्स यानी सिलिका, तो अल्फा कॉर्ड्स एंड बीटा कॉर्ड्स हुई तो वही सिलिका ही है, ठीक है। एक और पाइट है दैट इज क्रिस्टेबलाइट, क्रिस्टेबलाइट भी सिलिका का ही एक एक, एक फॉर्म है एक्चुअली, हैविंग अ डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स एंड क्रिस्टेबलाइट ऑल पार्ट आर द ऑफ सिलिका ओनली, तो कैल्साइट इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑड वन आउट निकालना है, बराबर है, तो ऑड वन इज कैल्साइट ओनली, अगर आप देख लो तो पॉलीमॉर्फस, देखो अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स, क्रिस्टलाइट, सिलिका का पार्ट है, तो फिर ऑड वन क्या हो गया, दिस वन कैल्साइट। तो गाइस ये सारे जो टर्म्स है, देखो ये शायद से पॉलीमॉर्फस सीधा बोर्ड में तो जनरली सीधा से तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फस, व्हाट इज दिस वन, ओके, बट यहाँ पे इसके एग्जांपल्स, ओके, ये मैटर करेंगे जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है गाइस, ओके चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट फॉर आयोनिक क्रिस्टल। अभी आयोनिक क्रिस्टल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लेना, चार्ज पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, वहां पे आयोनिक बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे पता ही चल जाएगा, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ही लिखा है एक्चुअली ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है दे पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट है वो, नॉट करेक्ट वो हमें आइडेंटिफाई करना है। दे द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर चार्ज आयंस, चार्ज आयंस भी है, राइट, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल भी है, बराबर है, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या डिस्कस की थी हमने आयोनिक के लिए, आयोनिक के में जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर एंड एक्वियस सॉल्यूशन में वो कंडक्टर, सो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सो दिस इज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट, बराबर, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ रहा है गाइस, ओके अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़ेंगे फिर द नेक्स्ट वन, ओके नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेन एक्चुअली आयोनिक वाला ही क्वेश्चन यहां पे मैंने डाला है अगेन, ठीक है, क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड द कंस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी क्या, पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना, कि हम लोग सिंपली बोलेंगे यू नो सोचेंगे कि वो आयोनिक है, सॉरी आयोनिक बॉन्ड हम लोग याद रखते हैं, बट आयोनिक बॉन्ड यानी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, आयोनिक बॉन्ड यानी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड किसमें रहेगा, आयोनिक सॉलिड में रहेगा, ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे आयोनिक सॉलिड आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें आयोनिक बॉन्ड रहेगा, राइट, ओके, सी ए, सी ए क्या है, एलिमेंट है, मेटालिक सॉलिड हुआ वो, बराबर, चलो सी ए एफ टू, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम सी ए को प्लस टू चार्ज, एफ को माइनस टू माइनस वन चार्ज, ओके, तो इस तरह से वो चार्ज स्पेसिस आ गए, चार्ज स्पेसिस किसमें होते हैं, आयंस, शायद ये पॉसिबिलिटी होगी, सी ओ टू, सी और ऑक्सीजन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और ये एफ ई क्या है, एफ ई इज अगेन द मेटालिक एलिमेंट ओनली, बराबर है, मेटालिक बॉन्ड रहेगा उसमें, तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें रहे, फोर्स किसमें रहेगा, सी ए एफ टू में, तो सी ए एफ टू इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड, सो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन से पर्टिकुलर सॉलिड में है, जो हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था, राइट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, एंड देन आफ्टर यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा, सी ए एफ टू, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड इज अ नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर, ओके, ये भी टर्म है, हमने तो आयोनिक पढ़ा है, हमने मेटालिक पढ़ा है, हमने ये कौन सा पढ़ा है, कोवेलेंट नेटवर्क पढ़ा है, पोलर नॉन पोलर क्या होता है गाइस, ओके, तो पोलर यानी क्या, पोलर में होगा सिंपली यू कैन से पोलर सॉल्वेंट, जहां पे आपको चार्ज स्पीसीज मिलेंगे, ठीक है, एंड नॉन पोलर में आपको चार्ज नहीं रहेंगे, पार्शियल चार्जेस नहीं रहेंगे बिटवीन दी एलिमेंट, समझ में आ गया, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे इन हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11 का टॉपिक है उसमें भी, ओके, चलो यहाँ पे जाएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है, अब एच सी एल है, HCl having a polar, HCl is a polar solvent, क्योंकि H को यहाँ पे प्लस चार्ज, Cl को माइनस वन चार्ज रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, HCl तो पोलर है, what about this one SO2, S double bond O, ठीक है, SO2 में क्या रहेगा, अगेन अ पोलर, S having पॉजिटिव, ऑक्सीजन having a नेगेटिव चार्ज, H2O पोलर सॉल्वेंट है ओनली, H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट, बराबर है, वो तो हमें पता ही है, what about CO2, CO2 have a perfectly share pair of electron, जहां पे आपको C double bond O मिलेगा,
सेंटर में सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो CO2 इज अ नॉन पोलर सॉलिड। कौन सा है? सॉलिड CO2 रहेगा, दैट विल बी अ नॉन पोलर सॉलिड, जहां पे पार्शियल चार्ज नहीं रहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। समझ में आ रहा है गाइस? तो पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी इंपॉर्टेंट करता है सीधा सीधा आयोनिक इसके ऊपर। अब ये नॉन पोलर यानी कौन सा हो गया? दिस इज नथिंग बट द कोवेलेंट सॉलिड। कौन सा हो गया? कोवेलेंट सॉलिड। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट, द इंटर पार्टिकल फोर्सेस इन सॉलिड हाइड्रोजन आर सॉलिड हाइड्रोजन, इंटर पार्टिकल फोर्सेस हाइड्रोजन के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लो कि हाइड्रोजन में कौन से टाइप का बॉन्ड रहेगा। ओके, हाइड्रोजन में पोलर बॉन्ड सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, बराबर है? और दोनों को आने के लिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो दोनों एच प्लस आइंस एंड एच माइनस आइंस तो फॉर्म तो नहीं करेगा, ठीक है? तो फिर दो हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल को साथ में आने के लिए सॉलिड में बनाने के लिए कौन सा टाइप का फोर्स लगेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो पोलर में रहता है, हाइड्रोजन इज नॉट द पोलर वन, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में कौन सा है वो बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो भी नहीं। सो द लंडन फोर्स, यस द लंडन फोर्स विल बी प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स विल बी प्रेजेंट यू नो इन द सॉलिड हाइड्रोजन, क्योंकि एच टू मॉलिक्यूल है, एच टू मॉलिक्यूल है, दो एच टू मॉलिक्यूल को पास आने के लिए लंडन डिस्पर्शन फोर्स विल बी द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। समझ में आ रहा है गाइस? अंडरस्टूड? क्लियर हो गया ये? ओके, सो दिस वे वी कैन एक्चुअली गो फॉर दी आंसर। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। दिस पार्ट इज ओवर, ठीक है? यहां पे हमने कंप्लीट कर लिया ये अपना पार्ट टॉपिक, आगे बढ़ेंगे देन पैकिंग इन सॉलिड पे चले जाते हैं। सॉलिड की पैकिंग, पैकिंग इन सॉलिड में अब हमने यू नो 25% ऑफ द टॉपिक वी हैव ऑलरेडी फिनिश अप। नाउ पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग इन सॉलिड में पैकिंग इन वन डायमेंशन, पैकिंग इन टू डायमेंशन, पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, ये तीनों टॉपिक हमें कवर कर रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली विल बी गोइंग फॉर वॉट, हम लोग कहां पे चले जाएंगे? हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, फोर डायमेंशन में। इसी में हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एंड एवरीथिंग। ये सारे टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो पैकिंग इफिशियंसी सिंपली वी आर गोइंग टू कंप्लीट ओवर हियर ओनली। हाँ, पैकिंग इन सॉलिड्स और पैकिंग इफिशियंसी, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन पहला तो चीज है, लीनियर पैकिंग इन वन डायमेंशन। स्पीयर्स होंगे, कंस्टेंट पार्टिकल्स एक सिंपली वन डायमेंशन में प्लेस करेंगे। हियर देखो, स्पीयर्स आर प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू टू। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चीज? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी द पार्टिकल विच इज अटैच टू द अनदर पार्टिकल, ठीक है? द पार्टिकल विच इज अटैच टू द अनदर पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड टू बी अ कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है? तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद है यानी कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको आसानी से उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, बराबर? क्या बोला मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सिंपली द नंबर ऑफ अ कंस्टेंट पार्टिकल्स अटैच टू द सिंगल कंस्टेंट पार्टिकल इन अ सॉलिड। आई रिपीट, द नंबर ऑफ अ कंस्टेंट पार्टिकल विच इज अटैच टू द सिंगल कंस्टेंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल लेटिस, दैट इज कॉल्ड टू बी अ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक पार्टिकल दूसरे सिर्फ सेंटर का पार्टिकल आजू बाजू वाले दो पार्टिकल को अटैच होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर टू रहेगा। प्लेनर पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में फिर हम लोग पढ़ेंगे ए टाइप में कौन सा रहेगा? वन इज स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है? A टाइप, एक ही पॉइंट से सारे यू नो हॉरिजॉन्टल रोज प्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, तो सेवरल लाइंस इन वन डायमेंशन आइडेंटिकली रोज आर प्लेस्ड वन ओवर दी अनादर, ठीक है? एक दूसरे के ऊपर फ्रॉम सेम पॉइंट रखा जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4, यानी एक कंस्टेंट पार्टिकल चार अदर पार्टिकल्स को अटैच रहेगा, ठीक है? कंस्टेंट पार्टिकल ए टाइप किसमें? टू डायमेंशन में, ए टाइप एंड टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है? नाउ ए बी टाइप इन That is also called to be a hexagonal closed packing structure, ठीक है? Hexagonal closed packing, HCP, in ABAB type, किसमें? Two dimension में, right? तो फिर in this one, several lines in one dimensional identical rows are placed one over the another, ठीक है? One over the another, in such a way that the alternate rows have the horizontal and the vertical alignment, ठीक है? Alternate rows, यानि पहला आ गया, तो दूसरा, दूसरे के बाद जो तीसरा आएगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा इस तरह से, ठीक है? तो उस तरह से अरेंजमेंट की जाएगी, ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सीख रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। फिर द नेक्स्ट वन इज द क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। अभी क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में देखेंगे, वन डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन हो गया, विल बी गो फॉर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, AAAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या? AAAA टाइप ऑफ अरेंजमेंट। AA टाइप ऑफ अरेंजमेंट किसमें है? सिंपल क्यूब्स, क्यूबिक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड CC
और एससी सिंपल क्यूबिक, ओके दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ एससी. अब इसमें होगा क्या, इन दिस सेवरल लेयर्स ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेवरल लेयर्स ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स आर प्लेस वन अबाउ दी अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे, ए टाइप है तो वन अबाउ दी अदर इन सच अ वे दैट दे हैव दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. एग्जाम्पल पोलोनियम बताता है वैसे टाइप का ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, याद रखना बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, ओके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ए ए ए टाइप इन थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ए बी ए बी टाइप, देखो गाइज यहाँ पे टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में भी एबीएबी टाइप था जहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड देन थ्री डायमेंशन के लिए भी एबीएबी टाइप है, हेक्सागोनल क्लोज पैक ही कहते हैं उसको, मतलब टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, ठीक है वो याद रखना. यहाँ पे क्या, सेवरल लेयर्स ऑफ द टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स आर प्लेस वन अबाउ द अदर इन सच अ वे दैट द ऑल्टरनेट लेयर्स हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट, थ्री डी में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट सेम रहेगा. हियर स्पीयर्स ऑफ थर्ड रोज आर प्लेस इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके टेट्राहेड्रल वॉइड जो फॉर्म होगी उसमें थर्ड रो की स्पीयर रखी जाएगी. कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे होगा 12. एग्जांपल कौन से, मैग्नीशियम मेटल जिंक जेड सी लिखा है, जेड एन होना चाहिए एक्चुअली, जिंक एंड डी इज दिस मैग्नीशियम, ये सारे वो एलिमेंट बताते हैं एबीएबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट नाउ, ओके एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट यानी क्या होगा कि हियर दैट इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड और एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है दिस इज कॉल्ड टू बी अ क्यूबिक सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर या फिर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ओके तो एफसीसी स्ट्रक्चर भी कहते हैं. होगा क्या इसमें, सेवरल लेयर्स ऑफ द टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स आर प्लेस्ड वन above the other in such a way that first and fourth layer, ठीक है first and fourth layer क्योंकि ABC ABC type है तो first ये and fourth layer ये, ठीक है first and fourth layer have the horizontal and vertical alignment. Here the spheres of third ray, third layers are placed into the octahedral void. ठीक है थर्ड लेयर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे. कॉपर सिल्वर वे ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं यहाँ पे. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 है. ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इतना 12 है. कोऑर्डिनेशन नंबर पे फोकस करना गाइस, टू डायमेंशन में टू सिंगल, वन डायमेंशन में थ्री डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में भी वो वैसे वाले क्वेश्चंस मिले थे आपको. ओके टाइप्स ऑफ वॉइड, जो वॉइड है या फिर गैप जो बनता है वो कौन सा है, तीन टाइप के वॉइड मिलेंगे आपको, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ट्रायंगुलर वॉइड है सो इट इज सराउंडेड बाय द थ्री स्फीयर्स, ठीक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स एंड सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय फोर स्फीयर्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर्स. ठीक है सो ये वॉइड कैसे फॉर्म होता है, बाय सराउंडिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ स्फीयर्स दैट इज आल्सो गिवन ओवर देयर. ओके चलो आगे बढ़ेंगे, देन नाउ विल गो फॉर द फॉर्मुलाज रिलेटेड टू दिस पैकिंग एफिशिएंसी एंड ऑल. ठीक है पहला तो फॉर्मुला है डेंसिटी वाला, डेंसिटी इज इक्वल टू एम into n upon a cube into n, where m क्या करता है, m is the molar mass, small n यानी क्या, number of particle present in the unit cell. अब हमने discuss किया भी था जब types of unit cell पढ़ रहे थे तब, simple cubic unit cell में कितने particle, one particle, simple cubic unit cell में particle one, बराबर body centered यानी BVC में कितने particle, BCC में कितने, two particles, and FCC में कितने particles, four particles, simple cubic one, BCC two, FCC four, बराबर है. तो ये जो n represent करेगा the that specific type of a simple cubic unit cell के number of particles. A यानी क्या, edge length, and Na is what, Na is the Avogadro's constant. क्या है वो, that is Avogadro's constant. ठीक है packing efficiency का formula क्या है, volume occupied by particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100. ठीक है volume occupied by particles in the unit cell, जो भी particles occupied होंगे unit cell में, divided by total volume into 100. अब relationship between R and A, R that is the radius and A is the edge length, edge length for ये दोनों का relationship अलग अलग type के लिए, I'll go over here, तो I think so दिखेगा. Simple cubic, BCC and FCC तीनों के लिए है. Simple cubic के लिए formula है R is equal to A by 2, BCC के लिए R is equal to under root 3 by 4 into A and FCC के लिए R is equal to under root 2 by 4 into A. So this is the formula of what, formula of relation between R and A, radius find करने के लिए specially. ठीक है okay. Number of atoms in X gram of metal, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू एन अपॉन ए इंटू ए क्यूब.
x यानी क्या, स्पेसिफिक मास ऑफ द मेटल वहां पे रखेंगे 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, वॉट एवर इट में भी. n यानी क्या, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. sc में कितना, 1, bcc में 2, fcc में 4, तो वो है रो इज द डेंसिटी. एंड व्हाट अबाउट a, a इज द एज लेंथ, सो दैट विल बी गिवन ओवर देयर. एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल, यूनिट सेल कितने हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या, एक स्पेसिफिक ग्राम ऑफ मेटल और उसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक्स डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब. एक्स वो मास रहेगा, रो क्या है डेंसिटी, एंड व्हाट अबाउट दिस ए, एज लेंथ, दैट इज ऑल्सो गिवन ओवर द. एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वी वॉल्यूम ऑफ मेटल, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है मेटल का तो उसका नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है, तो वी डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ओनली. ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर भी देख लेना यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम यूनिट, पिकोमीटर, यू नो सेंटीमीटर, वो कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 1 इनटू 10 माइनस 8 सेंटीमीटर, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 इनटू 10 माइनस 10 मीटर, एफ दैट इज आल्सो इक्वल टू 100 पिकोमीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 इनटू 10 माइनस 10 सेंटीमीटर. बराबर, एक कन्वर्जन हो गया. अब टाइप्स ऑफ यूनिट सर, हालांकि हमने वहां पे डिस्कस किया भी था, स्पेशली नंबर ऑफ एटम्स के लिए, एंड उसकी पैकिंग एफिशिएंसी मैंने यहाँ पे नोट कर ली है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी के साथ. सिंपल क्यूबिक यूनिट सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमने डिस्कस किए थे, कितना पार्टिकल है 1, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है देख लो, तो पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%. सिंपल क्यूबिक यूनिट सर, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%, रिमेंबर दिस वन. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सर, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 68, पैकिंग एफिशिएंसी 68. एंड बॉड बीसीसी में पार्टिकल कितने होते हैं 2. एफसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4, और उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%. ठीक है, 74% इज द पैकिंग एफिशिएंसी. ओके देन, चलो इट्स अ टाइम फॉर द एमसीक्यू. ठीक है, एमसीक्यू क्या टाइम आ गया अभी कि एग्जैक्टली एमसीक्यू कौन सा है, लेट्स सी. ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इन अ क्लोज पैक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि अगर आपको पैकिंग इन अ क्रिस्टल लैटिस, ओके, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में रहेगा, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन वहां पे मैक्सिमम टाइप आपको पूछ सकता है. सो लेट्स सी हियर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इन अ क्लोज पैक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, देखो कितना डायमेंशन है वो भी याद रखना है, वन डायमेंशन होगा, टू डायमेंशन होगा, या फिर थ्री डायमेंशन, सो इट इज वन डायमेंशन. ओके, वन डायमेंशन में फर्स्ट ऑप्शन ए इज 1, बी 2, सी 4, डी 8, क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, 1, 2, 4, 8, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वन, वन डायमेंशन में 2 है कि नहीं, 2 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. आप देख लो यहां पे तो हमने ओके, वन डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2, है कि नहीं. ओके, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, सो गाइस ये ध्यान में रखना है. ओके, द वैकेंट स्पेस इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में वैकेंट स्पेस आपको देखना है. ठीक है, वैकेंट स्पेस इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी में वैकेंट स्पेस कितना है 74 नहीं, वो तो ऑक्यूपाइड स्पेस है गाइस. अब आप देख लो यहां पे, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी कितनी 74, तो वैकेंट स्पेस कितना हुआ, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है, रिमेंबर, रीड इट प्रॉपरली, अच्छे से रीड करना उसको, देन ओनली यू विल गिव, यू नो यू विल एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो अच्छे से उसको रीड करना है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है या फिर उसकी एम्प्टी स्पेस पूछ लिया है. एम्प्टी स्पेस कितना होगा, व्हाट विल बी द वेरिटीज, हाँ एम्प्टी स्पेस 26, 10, 46, 74 तो पैकिंग एफिशिएंसी है, याद रखना, तो उसका 74 एंड 80 एंड 100, तो 100 होना चाहिए ना ओवरऑल परसेंट, तो 26 इज द करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड. ओके, चलो इन अ फेस सेंटर्ड, सॉरी इन अ फेस सेंटर्ड ही है वापस से, इन अ फेस सेंटर्ड सेल और क्यूबिक सेल, एन एटम एट द स्फीयर कॉन्ट्रीब्यूट इज डैश डैश टू द यूनिट सेल. ठीक है, क्या लिखा है, इन अ फेस सेंटर्ड सेल एन एटम ऑफ द फेस, एटम ऑफ द फेस, हाँ फेस सेंटर्ड अगर होगा, क्यूब एक्चुअली मेरे पास था यहाँ पे, अभी फिलहाल दिख नहीं रहा, अदरवाइज मैं बता देता आपको. अगर समझ लो कि से कौन सा क्यूब है, तो क्यूब के कितने फेसेस होंगे, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट,
टॉप बॉटम, ओके, यानी टोटल सिक्स फेस है। तो फिर एक फेस में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है या फिर कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज द क्वेश्चन। अ फेस सेंटर्ड सेल एंड एटम ऑफ दिस फेस कंट्रीब्यूट डैश इज डैश टू द यूनिट सेल, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4 पार्ट या 1/8 पार्ट, 1/6 पार्ट या 1/2 पार्ट। अब देखो 1/8 पार्ट तो 8 कॉर्नर में रहता है, बराबर है, ओके, वो तो ऑप्शन नहीं है। 1/4 पार्ट तो कभी देखा नहीं है। फेस सेंटर्ड में सिक्स फेसेस है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4, 4 में से एक तो पार्टिकल सारे कॉर्नर में चला गया, बाकी बचे तीन पार्टिकल, तीन पार्टिकल कहां रहता है, 50% ऑफ द फेसेस, एक फेस पे 50% ना, 50% यानी 1/2 पार्ट, कितना 50% यानी 1/2 पार्ट। तो गाइस 1/2 पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ओवर, समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे और उसकी पोजीशन भी क्या है, हमने जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स में भी दिया था, अगर आपको ध्यान दिया होगा आपने तो वो भी दिया है। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखो ये तो 2019 में क्वेश्चन पूछा था, एंड हालांकि क्वेश्चन रीड कर लेते पहले, उस क्वेश्चन ईजी है। हाउ मेनी टोटल स्फीयर्स ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, ओके, तो 2019 में ही रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा है, ओके, क्या, हाउ मेनी टोटल स्फीयर्स ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल्स, टोटल एटम्स सिंपली कितने हैं इन BCC टाइप, BCC में कितने एटम्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2 एंड FCC में 4, 2 है क्या, ओके, चलो, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया गाइज, अंडरस्टूड। सो गाइज यहाँ पे हमने द नंबर ऑफ MCQs भी कवर कर लिए है, ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी एंड ऑल, ठीक है, आगे बढ़ता है फिर। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है, क्रिस्टल डिफेक्ट पे चले जाते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, सेव कर लेता हूं मैं, ठीक है। नाउ विल गो फॉर द क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट को कवर कर लेते हैं फटाफट, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द MCQs, ओके, ये तो एक मिनट, इसको हम लोग पहले इसको डाउनलोड होने देते हैं, दैट इज डन, बाय द टाइम मैं पानी पी लेता हूं। ओके, कोवेलेंट नेटवर्क एंड ऑल किस लाइन जो हमने पढ़ा था वही उसी से पहले दो स्लाइड वैसे एक्चुअली, ओके, नाउ विल गो, या डिफेक्ट आ जाता है यहाँ पे, डिफेक्ट हम लोग चालू करेंगे, पहला तो वैकेंसी डिफेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, डिफेक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर विल गो फॉर दी MCQ पार्ट, ओके, MCQ पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, ओके, देन तो डिफेक्ट में फर्स्ट विल गो फॉर व्हाट, दी वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, कौन सा डिस्कस कर लेते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में देखो डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे, आपको देख तो देख सकते हैं, कंस्टेंट पार्टिकल्स आर प्लेस कर ले, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, क्या क्या हो रहा है, देखो पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइट, मिसिंग पार्टिकल है तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, मास डिक्रीज, वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो मास भी डिक्रीज, डिक्रीज मास हो गया तो वॉल्यूम तो अनचेंज है बट डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस, क्या है, डेंसिटी जो है वो क्या हुआ बच्चों, डेंसिटी डिक्रीज हो गया, समझ में आ रहा है ये, ओके, दिस इज डन, तो इतना है वैकेंसी डिफेक्ट में, पार्टिकल मिसिंग, मास डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, ठीक है, सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, चलो क्या होता है सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में, लेट्स सी, ये देखो डायग्राम है यहाँ पे, सेल्फ इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में अगर आप देख लो तो कंस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने बताया, ये इंटरस्टिशियल साइड, ये रेगुलर साइड है और ये इंटरस्टिशियल गैप, बराबर है, तो ये इंटरस्टिशियल गैप में ये रेगुलर पार्टिकल्स आ रहा है, राइट, ओके, ये इंटरस्टिशियल गैप में आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल गैप, और उसमें ये रेगुलर, ये कंस्टेंट पार्टिकल आ रहा है या फिर अपनी रेगुलर साइड लूज करके इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएगा, गैपिंग गैप के बीच में आएगा, एक तो एडिशनल हो जाएगा या फिर अपना ही पार्टिकल यू नो दूसरे इंटरस्टिशियल गैप में चला आएगा, ओके, देन होगा क्या, अभी देखो अगर एडिशनल पार्टिकल है तो एक्स्ट्रा पार्टिकल से ऑक्यूपाइड, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई हो रहा है तो एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास इंक्रीज होगा, वॉल्यूम तो अनचेंज रहेगा बट डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी,
ये एक चेंज होगा। यहां पे पार्टिकल रेगुलर साइड से यहां से आ रहा है और यहां पे जा रहा है, बराबर है। उसकी वजह से होगा क्या कि पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेटराइज टू द इंटरस्टिशियल स्पेस। वॉल्यूम तो अनचेंज है, डेंसिटी भी अनचेंज है, देखो डेंसिटी भी अनचेंज है। सो यू नीड टू फोकस ऑन डायग्राम ऑल्सो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में डायग्राम पूछ रही कि इस तरह से है तो फिर क्या हो सकती है, वेदर देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी और नॉट, ओके, और मास इंक्रीज और नॉट, ऑप्शंस विल बी देयर। सो दिस पार्ट, दिस ऑल दिस पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। ओके, शॉर्टकट इफेक्ट जनरली होता किसमें है, आयोनिक सब्सटेंस में, किसमें होता है, आयोनिक सब्सटेंस में, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ क्या होगा, देखो कैटाइन्स एंड एनाइन्स, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट्स देयर रेगुलर साइड। ओके, इक्वल नंबर मिस हो रहा है, एक कैटाइन मिस होगा तो दूसरा एक एनाइन मिस होगा, दो कैटाइन मिस होंगे तो दो एनाइन मिक्स होंगे, इसके वजह से होगा हो रहा है क्या, मास डिक्रीज हो गया, मिस हो रहा है मतलब मास डिक्रीज हो गया। वैकेंसी डिफेक्ट का ही एक टाइप है, वॉल्यूम तो अनचेंज है, व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीजेस बट न्यूट्रलिटी जो है वो प्रिजर्व हो गई, डेंसिटी तो डिक्रीज हो गया बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक कैटायन मिस है तो दूसरा एक एनायन मिसिंग हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन ओवर देयर। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, अगेन इट इज फॉर द आयोनिक सॉलिड, जहां पे स्मॉलर कैटायन अपने रेगुलर साइड से मिस हो जा रहा है और इंटरस्टिशियल पोजिशन एक्वायर कर रहा है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑल्सो, है ना। तो ये जो रेगुलर साइड है वहां से मिस हो गया और ये यहाँ आ गया, यू कैन सी द डायग्राम, जहां पे ये वापस से कैटायन यहां से निकल गया और ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। क्या होता है देख लेते हैं, पहले तो क्या है कि एनायंस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड एंड ऑक्यूपायर द इंटरस्टिशियल पोजीशन, AgCl, AgBr, AgICF2, ये सारे एग्जाम्पल्स है ये दिस वन फ्रेंकल डिफेक्ट के, राइट। डेंसिटी अनचेंज्ड है एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑल्सो प्रिजर्व, क्योंकि डेंसिटी क्यों अनचेंज है, मास इंक्रीज डिक्रीज हो नहीं रहा तो डेंसिटी तो अनचेंज्ड एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व हो रही है। समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर? ओके, आगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट। इंप्यूरिटी डिफेक्ट में देख लो तो क्या होगा, ओके चलो, तो उसमें एक तो पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ओके, एंड देन नॉन सब्स्टिट्यूशनल। जहां पे देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अलॉय है, अलॉय कौन सा, ब्रास इज दी अलॉय, जो कि जिंक और कॉपर से बना है, जिंक यहाँ पे इंप्यूरिटी है, यहाँ पे ये रेड पार्टिकल जिंक है और ये येलो सर्कल जो है वो कॉपर, इमेजिन कर लो। इन ब्रास अलॉय होस्ट कॉपर एटम इज रिप्लेस बाय जिंक, रो में जो कॉपर एटम रिप्लेस हो रहा है किससे, जिंक से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। उससे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, सी इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन पार्ट एटम्स आर फाउंड एट द प्लेस ऑफ द होस्ट एटम, ठीक है, फॉरेन एटम आ रहा है होस्ट एटम के वजह से, ओके, दैट इज द पार्ट इज डन ओवर देयर, बाकी डेंसिटी एंड एवरीथिंग विल रिमेन सेम ओनली। वैकेंसी थ्रू द एल्विओलेंट इंप्यूरिटीज, एल्विओलेंट इंप्यूरिटीज में क्या होगा, समझ लो कैटायन एनायन है, आयोनिक पार्टिकल्स है, Na+ आयन Cl- आयन, Na+ आयन Cl- आयन की अरेंजमेंट, इसमें इंप्यूरिटी आ गई Sr2+ आयन की, SrCl2 ऐड कर दिया, Sr2+ आयन, तो वन ऑफ द रेगुलर साइड ऑफ Na+ आयन, ओके, दैट इज रिप्लेस्ड बाय Sr2+, तो Sr2 का तो प्लस टू चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये जो देखो यहाँ पे ये सोडियम का जो पोजीशन है ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया, ये एक वैकेंसी क्रिएट हो गई वहां पे। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड? ओके देन चलो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ना, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में अब आप देख लो तो वहां पे दिस इज एनआई ओ, ये सब्सटेंस है जहां पे एनआई को प्लस टू चार्ज एंड एन ओ को माइनस टू चार्ज है, बाय। अब इसमें क्या हो रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इज यू नो रिप्लेस्ड बाय द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni, Ni2+ O2- Ni2+ O2- ये हो रहा है यहां पे। एक जो चीज है यहां पे देखो, देयर शुड बी Ni2+ आयंस, ये ब्लू कलर दिख रहा होगा, बट Ni3+ आयंस आ गया, यानी प्लस वन से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया यहां पे। सेम वे एक वैकेंसी क्रिएट कर ली, यहां पे देखो मैं स्टार कर रहा हूं तो यू कैन गेट एन आइडिया, वैकेंसी क्रिएट हो गई और वन मोर रेगुलर साइड ऑफ Ni2+ आयंस रिप्लेस बाय Ni3+ आयंस, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस वन यानी प्लस टू, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के लिए यहां की साइड जो है वो वैकेंट हो गई। तो सेम मेटल कैटाइन विल बी अवेलेबल इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अवेलेबल रहेगा, अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी ऑफ मेटल, मेटल की डेफिशिएंसी मिल गई ना यहाँ पे। नेक्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस में क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटल विल बी देयर, दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, एक तो प्योर न्यूट्रल मेटल ऐड हो जाएगा,
या फिर उसका मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल पोजीशन में एक्वायर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ZnO, ये एक एग्जांपल लिया था हमने, ZnO जिंक ऑक्साइड, जहाँ पे Zn2 plus ions, O2 minus, Zn2 plus O2 minus, but in this crystal lattice only interstitial position में जिंक ऐड हो गया, जिंक प्रॉपर जिंक मेटल, उसके वजह से जिंक एटम प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, डेफिनेटली मास इंक्रीज हुआ, डेंसिटी इंक्रीज हो गया, बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी चीज, तो ZnO अगर हीट कर रहे हैं हम लोग तो Zn2 plus ions आ जाएगा इंटरस्टिशियल पोजीशन में, एंड उसके जो दो इलेक्ट्रॉन है यानी जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वंस इट फॉर्म्स द आयंस इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएंगे, सो द एक्सेस ऑफ Zn2 plus ions आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन, एक्सेस ऑफ Zn2 plus ions, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। And by the last one is by anion vacancy, ठीक है, by anion vacancy. Next is देखो cation, anion, cation, anion, cation की vacancy है, यहाँ पे आपको anion नहीं दिख रहा, anion की vacancy रहेगी, बराबर है, anion की vacancy रहेगी यानी excess of cation, metal excess actually, okay, उसी में चला जाएगा ये, metal excess defect में चला जाएगा, okay, then see over here, so here NaCl अगर आप रख दो, ये समझ लो कि ये NaCl crystal है, so Na and Cl minus ions forms Na plus ions, अब NaCl particles over here, ठीक है, ये NaCl salt form करेगा by releasing the electron of Na, electron of Na only, ये Na जो है वो electron release कर रहा है, तो Na plus ions बन गया, Na plus ions and Cl minus ions will attract together forms the crystal over there, but वो जो electron है Cl minus ions देख निकल जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन उसकी पोजीशन ले लेगा, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो सेंटर इज कॉल्ड एज एफ सेंटर, उसको एफ सेंटर कहते हैं, जहां पे प्योर NaCl इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, तो वो येलोइश कलर का बन जाएगा, अंडरस्टूड, कितने कैसे कलर का बन जाएगा, येलोइश कलर का बन जाएगा, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरऑल से या दिस इज डन विद द डिफेक्ट ओनली। अब चले जाते हैं हम एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यूज के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ओके, चलो फिर एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करेंगे, सो विल गो फॉर जस्ट अ मिनट, या सो क्रिस्टल डिफेक्ट के एमसीक्यूज के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करेंगे, डिफेक्ट के ऊपर, ठीक है, एंड देन आई थिंक हमारा सेशन आज का हम लोग एंड करेंगे। ये लोडिंग अनसेफ फाइल ही हो रही है, ओहो, ओके, सो आई नीड टू गो टू एग्जिट कर लेता हूं, एक मिनट बॉस, ओके, चलो डन विद दिस, ठीक है, देन तो मैं यहां पे बच्चों एमसीक्यू जो है वो मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, एंड देन आई विल गो फॉर दी आंसर ऑल्सो, ठीक है, हम लोग साइड बाय साइड आंसर डिस्कस करते जाएंगे, देन ठीक है, चलो अब पहला मैं एमसीक्यू यहां पे लिख लेता हूं, दैट इज ओके द पीवाईक्यू देख लेते हैं, पीवाईक्यू में या पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट, आई राइट ओवर हियर द क्वेश्चन, हा, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ has the presence of cation in the interstitial site, cation in the interstitial site, okay, ये question जो आया था, ये question 2018 में आया था, 2018 में ये particular question पूछा था, let's see the options first, okay, क्या question देख लो, which type of defect has the presence of cation, has the presence of cation in the interstitial site, interstitial site में cation कौन से होने चाहिए, ठीक है, देखो Schottky defect, ऑप्शन है Schottky डिफेक्ट, बी ऑप्शन इज देयर दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, ऑप्शन सी इज
फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके, एंड डी ऑप्शन विच इज गिवन ओवर देयर, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाउ टेल मी कौन से सर, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायन, कैटायन प्रेजेंस होना चाहिए इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट पे कैटायन होना चाहिए, इंटरस्टिशियल साइट में कहां पे है, शॉर्ट के डिफेक्ट में है, वैकेंसी है, वैकेंसी डिफेक्ट वो तो नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट ठीक है, इक्वल कैटायन एनायंस मिसिंग हो जाता है, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट करेक्ट आंसर है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जहां पे क्या होगा, कैटायन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। हाँ, सो दैट इज ऑल एक्चुअली, आई एम सॉरी, फ्रेंकल डिफेक्ट इज द करेक्ट आंसर, या फ्रेंकल डिफेक्ट वही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो एक्चुअली मेटल की डेफिशिएंसी मिल जाएगी वहां पे, राइट, नो एनायंस की बढ़ जाएगी, सो यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, समझ में आ रहा है, ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी ही रहेगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन इसमें चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे, समझ में आ रहा है, सो दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट ओनली, ओके, चलो आगे बढ़ता है फिर, द नेक्स्ट वन, दैट इज वन मोर क्वेश्चन विल गोइंग टू टेक, ओके, 2019 में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द शोज बोथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके, ऑप्शंस में लिख लेता हूं, फर्स्ट द ऑप्शन इज, द फर्स्ट ऑप्शन केसीएल, द सेकेंड ऑप्शन इज एजीआई, द थर्ड ऑप्शन दैट इज एजीबीआर, एंड नेक्स्ट इज एजीसीएल, ठीक है, इफ यू सी द ओवरऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ अ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, यहाँ पे एजीबीआर इज द करेक्ट आंसर, एजीबीआर जो है एक टॉपिक है, एजीबीआर इज द सॉलिड एक्चुअली और अ क्रिस्टल विच डू हैव अ बोथ इफेक्ट, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल, दोनों डिफेक्ट वहां पे एक्सप्रेस करता है वो, ठीक है, चलो विल गो फॉर वन मोर, या चलो आगे बढ़ते हैं, विल गो फॉर अनादर डिफेक्ट ओनली, हाँ ये लिख लेता हूं, दिस विल बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, ZNO शोज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के ऊपर है, ओके, ZNO शोज मेटल एक्सेस डिफेक्ट metal excess defect with the excess of kya likha hai with the excess of zn2 plus ions occupying occupying dash and the electron occupying the dash, okay, and the electron occupying क्या लिखा है नेबरिंग
डैश। ओके क्या है क्वेश्चन, ZnO shows metal excess defect with the excess of Zn2 plus ions. Excess of Zn2 plus ions occupying dash, कौन सी पोजिशन है वो लिख रहा है, and the electron occupying neighboring dash. And options यहाँ पे दिया है, well, let's see the options, number of options. A लिखा है interstitial site, lattice site, interstitial sites and lattice sites. कॉमा करके दिया है या इंटरस्टिशियल साइट्स, लैटाइस साइट्स. ओके द फर्स्ट ऑप्शन, द सेकंड ऑप्शन इज गिवन दैट इज लैटाइस साइट इंटरस्टिशियल साइट जेड एन टू प्लस. अरे इन कैसे चेंज हो गया बॉस, लैटाइस साइट इंटरस्टिशियल साइट then C, that is interstitial site only. And the D, D is लैटाइस साइट, लैटाइस साइट, दोनों लैटाइस साइट दिए. आज हमारा स्क्रीन थोड़ा मैजिक कर रहा है, कलर अपने आप ही चेंज हो रहा है यार. ओके येलो से ग्रीन हो गया, कौन सा वाला है, ग्रीन है वही ऑप्शन देखता है. तो देखो क्या ऑप्शन था अपना, ZnO shows a metal excess defect with the excess of Zn2 plus ions. Excess of Zn2 plus ions कहां पे होता है metal excess में, Zn2 plus ions तो interstitial site पे चला जाता है. ओके And the electron, electron कहाँ पे मैंने बताए थे, electron also goes into the interstitial site, no? Okay? दोनों interstitial position पे है, दोनों interstitial position पे, this one, interstitial, interstitial, correct option ये. So अगर आप अच्छे से particular defect को पढ़ो और उसके exactly क्या content है, क्या exactly होता है, that also you just go through properly, तो आपको answer correct आ जाएगा. यहाँ पे पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करनी है Zn2+ की और इलेक्ट्रॉन की, इंटरस्टिशियल एंड लैटाइस, Zn2 की इंटरस्टिशियल है बट इलेक्ट्रॉन की लैटाइस नहीं थी, लैटाइस इंटरस्टिशियल, लैटाइस तो Zn2+ की नहीं थी तो इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन की थी, ये करेक्ट था. बट यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड ऑफ Zn2+ आई इंटरस्टिशियल साइड ऑफ दिस वन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, लैटाइस लैटाइस साइड तो दोनों में नहीं है एक्चुअली, बराबर है. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो गाइज इस तरह से यहाँ पे हमने पूरा सॉलिड स्टेट कवर कर लिया है, जहां पे पैकिंग एफिशिएंसी, डिफेक्ट, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स और उसके एमसीक्यू, ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किया है गाइस. ये अच्छे से सेशन को देखना, देखा होगा तो लाइक कर लेना, वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया होगा तो शेयर भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस. नेक्स्ट एक और वीडियो में हम लोग चले जाएंगे जहां पे दूसरा टॉपिक कवर कर लेंगे हम लोग वन शॉट वीडियो में, एक पूरा टॉपिक, एक पूरा चैप्टर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड बाय.